हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू बैक आ न्यू ब्लॉग। और मैं आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ NH24 इंफॉर्मेशन। तो देख सकते हैं दोस्तों, और ये जाता है आपका दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे, जो कि 24 लेन का बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इतना फास्ट एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है मोदी सरकार के राज्य में। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, कितना फास्ट ये हाईवे है। और ऐसे ही वीडियोस में आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता हूँ दोस्तों। और देखिए, ये सामने वाला है सिद्धार्थ विहार, जो कि हिंडन से कनेक्ट करता है। और ये आ जाता है आपका इंदिरापुरम का मार्केट, जो कि सिप्रा सन सिटी के बगल में है। ये देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये सिप्रा शॉपिंग प्लाजा। और यहाँ पर बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट है, और यहाँ पर सब कुछ मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लेडीज सामान है, जो कि इसके बेसमेंट में है। तो देख सकते हैं, यहाँ शाम के टाइम इतनी भीड़ भाड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको क्या बताऊँ। आप यहाँ पर आकर देखना, और बगल में ही है सिप्रा मॉल। जैसे ही हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे तो कोने पर ही पड़ेगा सिप्रा मॉल, वो भी बहुत सुंदर है। और आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे हम किसी दिन। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें और वीडियो को एंजॉय, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीरें। और मैं अभी खड़ा हुआ हूँ लाल कुआं। तो लाल कुआं का, ये लाल कुआं के लिए नीचे चला जाता है और ये ऊपर चला जाता है दिल्ली मेरठ के लिए। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें मेरे पीछे। तो देखते इस टाइप का इन्होंने बहुत बड़ा रोड बनाया है। तो देखिए गाइस, ये NH24 बना हुआ है। वैसे तो कंप्लीट हो चुका है आपको बता दूं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम रहता है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि पीछे वहाँ पर उन्होंने बंद कर दिया है, जो कि बीच वाली लाइन है। तो देख सकते हैं वो बीच वाली लाइन है, और वहाँ पर बंद किया हुआ है जहाँ मेरी उंगली है। देखते वो जो लड़का खड़ा हुआ है परली साइड में, तो ये देखिए तस्वीर, ठीक है। और ये लाल कुआं है, और जो कि ये बमेटा का गेट है, जो कि ओम गेट के नाम से जाना जाता है, बमेटा ओम गेट, ठीक है सब फ्रेंड। और इधर आ जाओ तो ये है कृष्णा विहार कॉलोनी लाल कुआ। तो देखिए हम घूम चुके हैं, और ये जो घूम रिया रास्ता, ये जा रहा है लाल कुआ बुलंदशहर के लिए निकल जाएगा। तो देख सकते हैं तस्वीर है, और ये लाल कुआ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम क्रॉस हो जाते हैं। तो और ये जा रहा है आपका दिल्ली के लिए, जो कि गाड़ियाँ आ रही हैं मेरठ और हापुड़ मुरादाबाद की तरफ से इस NH24 पर। तो देख सकते हैं मेरे पीछे, और मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, जो कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत टेढ़ा वाला, जो कि रेलवे लाइन बनी हुई है वहाँ पर चिप्याने में। चिप्याने का ब्रिज बन रहा है रेलवे का, तो वहाँ पर उस वजह से बहुत ज़्यादा जाम रहता है। तो तस्वीरें आप देखो, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए। तो मैं यहाँ, आप लोग ये देख लो यहाँ से, और फिर इसके बाद में फिर आपको दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो चलिए आपको आगे मिलते हैं, और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की तस्वीरें कि कितना टाइम लगेगा बनने में, और कितना ये NH24 फ्री होगा। और अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में, क्योंकि हम डासनेश है और दिल्ली सराय काले खां 15-20 मिनट में पहुँच जाते हैं लगभग। तो इतना, मतलब कि इतना फास्ट एक्सप्रेस वे है, जो कि गाड़ियों की लिमिट 100 है, और जो भारी, जो भारी भरकम जो वाहन है उनका 80 है। देख सकते हैं इनकी स्पीड 80 दी हुई है, तो गाड़ियों की 100। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ में, ओके फ्रेंड्स। ये देखो दोस्तों, रोरी रोरी लगी हुई है। ये ग्रेटर नोएडा सूरजपुर के अंदर है, ये नर्सरी है यहाँ की, और ये फ्लैट बन रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा धूली धूल उड़ रही है, देख सकते हैं ट्रकों की, रास्ता भी खंजर हुआ पड़ा है। आराम से ले चल, कोई नहीं।